फ्रेंड्स, क्या हाल है? ठीक ठाक हैं? तो मैं एज ए जो एक एम्ब्रॉयडरी डिज़ाइनर जो है वो भी काम कर रहा हूँ, तो सोचा क्यों ना जो है वो आज इसके ताल्लुक से भी जो है वो वीडियो जो बनाना शुरू की जाए। अच्छा, और ये जो हम सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, इसके ज़रिए अगर ये सॉफ्टवेयर अगर आप लोग सीख लें तो एक अच्छी अर्निंग जो है आप ऑनलाइन जो है वो कर सकते हैं। सिर्फ़ यूट्यूब ही ऐसा रिसोर्स नहीं है कि जिससे आप जो है अर्निंग जो है वो कर सकते हैं, बल्कि और भी बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर हैं कि जिनके ज़रिए जिनको अगर आप सीख लें तो आप ऑनलाइन अर्निंग जो है आपकी वो एक बेहतर और अच्छी अर्निंग जो है वो हो सकती है। तो मैं जो है वो आज एक तुर्की का जो लोगो है उसको बनाने लगा हूँ। ये सारे जो लोगो हैं ये इनको जो है वो हमने बनाना है और करना है, और मैंने अपनी जो पार्टी है उसको जो है वो डिलीवर करने हैं। हम यहाँ वो करते क्या है कि जो पैचेस और बैजेस वगैरह जो है वो बनाते हैं, और उसके लिए फिर ये डिज़ाइन बन के स्पेशल जो है वो मशीन पर जाता है, फिर मशीन इसको जो है वो पंच करती है, बनाती है, धागों के साथ जो है सारा इसको बनाती है करती है। अच्छा, अब इसके लिए हम जो है इसके लिए दो सॉफ्टवेयर जो हम यूज़ करते हैं, एक ये है वेलकम, ये अभी मेरे पास जो है वो ओल्ड वर्जन है, और हम इसको जो है मैनुअल पंचिंग के साथ मैनुअल जो है ना इसको डिज़ाइन करेंगे। और अभी जो लेटेस्ट सॉफ्टवेयर आ गया हुआ है वो उसमें काफ़ी चीज़ें जो हैं ऑटो हैं, ऑटो हम जो है उसको डिज़ाइन कर सकते हैं, चीज़ें बना सकते हैं और जो है जल्दी हम काम कर सकते हैं। लेकिन ये कि अभी विंडोज 7 पे जो है ये मैं ओल्ड जो वर्जन है वही इंस्टॉल था, तो मैंने सोचा कि उसी के ऊपर जो है ना हम बनाते हैं और डिज़ाइन जो है वो करते हैं। तो अब ये जो सारे लोगो हैं ये हमने बनाने हैं, लेकिन आज जो है मैं ये वाला जो लोगो है उसको जो है ना डिज़ाइन करेंगे। ये तकरीबन 1948 में ये जो है क्लब तुर्की में जो है वो कायम हुआ था, और इसका थोड़ा सा जो वो सर्च कर लेते हैं या इसको बाद में सर्च करते हैं, पर हम पहले जो है ना मेन टॉपिक जो है उस पे आते हैं। तो दोस्तों हम शुरू करते हैं। इसके लिए हम जो है ना पहले सबसे पहले कोरल ड्रॉ में जो है मैं ड्रॉ करके लेके गया, इसकी साइजिंग वगैरह जो है ना हम कोरल ड्रॉ में जो है वहाँ पर कर लेते हैं। अब इसका जो साइज़ है वो यहाँ पे 881 मिलीमीटर है, तो हम इसको इंचीज़ में पहले लेके आता हूँ। और ये मैंने टूल जब पकड़ा, इसको शेप टूल से पकड़ा तो इसका देख लिया कितना है, कि ये हमें बेसिकली चाहिए होता है 3 साढ़े 3 इंच जो है ना ये डिज़ाइन हमें चाहिए होता है, क्योंकि 3 जो आम शर्ट्स वगैरह पे होता है वो तकरीबन 3 साढ़े 3 इंच के करीब जो है वो डिज़ाइन बना हुआ होता है। तो मैं इसको कन्वर्ट टू बिट मैप कर लेता हूँ, इसकी रेजोल्यूशन जो है वो 300 कर लेता हूँ, ताकि फिर जो है जब मैं सॉफ्टवेयर में लेके जाऊँ तो रिज़ल्ट जो है वो बेहतर रहे। ठीक है, अब सिंपल मैंने किया है कि मैंने कंट्रोल एक्स किया है, कट कर लिया है, और मैं अपने सॉफ्ट वेलकम का जो सॉफ्टवेयर है उसमें आ गया हूँ। तो जब मैं पेस्ट करने लगा तो एज ए से मैंने बिट मैप करना है, एडिट में जाके पेस्ट ड्राइंग में एज ए बिट मैप। ठीक है, अब मैंने कीबोर्ड से डी प्रेस किया है। ठीक है, कीबोर्ड से अगर मैंने डी प्रेस किया, अब मैंने शॉर्टकट की ए से प्रेस करके मैं इसकी ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज़ जो है उसमें आ गया हूँ। इसको इसकी पोजीशन जो है ये मैंने 0-0 कर ली है, क्योंकि कुछ जो एम्ब्रॉयडरी मशीन है वो 0-0 की जो पोजीशन है उस पर रिज़ल्ट ज़्यादा अच्छा देती है, ज़्यादा अच्छा जो है वो निकालती है, इसलिए ये पोजीशन जो है 0-0 का है। खासतौर पर जो डी मॉडल मशीन है वो इसको जो है इस कमांड को रीड करती है, इस पोजीशन को। अगर आप इसकी पोजीशन 0-0 की होगी तो आपको काफ़ी जो है वो बेहतर रिज़ल्ट दिखने को मिलेगा। तो खैर मैं इसकी जो है इसे सेव कर लेता हूँ इसी नाम से, ताकि जब कभी मुस्तकबिल में ढूंढने की ज़रूरत पड़े तो आसानी से इसको जो है वो ढूंढा जा सके। डिज़ाइन का नाम हमेशा वो रखते हैं कि जिससे आसानी के साथ जो है उसको ढूंढा जा सके। तो मैंने यहाँ पे एक डिज़ाइन पहले से बनाया हुआ था, अब उसकी प्रॉपर्टीज़ जो है वो मैं कॉपी करने के लिए क्या करूँगा कि मैंने इसको कंट्रोल सी किया, इस डिज़ाइन को बंद किया, कंट्रोल वी कर लिया। अच्छा, इसको मैंने राइट क्लिक किया, हमें एक प्रॉपर्टी करंट। अब मैं जितना भी काम करूँगा ये सारी प्रॉपर्टीज़ जो हैं इसकी हमने पहले से जो लगाई हुई हैं, ऑब्जेक्ट जो हैं प्रॉपर्टीज़ वो कहाँ पे हैं, और ये स्टिच जो वैल्यूज़ जो मैंने रखी हुई हैं, अब ये सारी इसको मेक प्रॉपर्टी करंट करने से होगा क्या कि अब मैं जितना जो भी टूल यूज़ करूँगा प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो सारी की सारी जो हैं वो सेम लगेंगी इसके ऊपर। अच्छा, अब आमतौर पर मैं ये करता हूँ कि मैं ऊपर से नीचे जाता हूँ, क्योंकि नीचे पहले इसकी ज़मीन वगैरह जो है बनाने से पहले जो है
मैं इसके ऊपर वाला हिस्सा जो है ना वहाँ से मैं शुरू करता हूँ और ऐसा हिस्सा जो है ना से नीचे जाता हूँ, या कोशिश करते हैं कि हम जो है वो छोटी छोटी जो चीज़ें हैं वो पहले बना लें, फिर उसके बाद जो है अब इनपुट ए जो है इसको ये मैंने जूम की है। अब इस वरियर में जो पुराना वेलकम नाइन जो वर्जन है उसमें जो शॉर्टकट कमांड है जूम की वो बी है। मैं कीबोर्ड से मैं जब बी प्रेस करता हूँ और इसके ऊपर जो मैं ड्रैग करके जो उसको बॉक्स बना के उसको लेता हूँ तो सिर्फ उतने हिस्से को ही जो है वो उसको जूम करता है। अच्छा, इसको पंच करने के जो है ना वो मुख्तलिफ तरीके हैं कि आप स्पीड से पंच कर सकते हो, स्लो जो है वो पंच कर सकते हो। अच्छा, अब मैंने यहाँ पे जो कमांड दी है वो क्या किया मैंने, ये मैंने अनग्रुप करने लगा। अच्छा, मैंने शॉर्टकट कमांड से ही मैंने इसको सारे को सिलेक्ट किया और कीबोर्ड से मैंने जो आई है वो प्रेस किया है। अब ये ब्रांचिंग की कमांड है इस पर, ठीक है, मैंने आई किया, ये मैंने स्टार्ट पॉइंट दिया और ये मैंने एंड पॉइंट दे दिया। स्टार्ट और एंड पॉइंट क्या है कि मशीन कहाँ पे आगे ख़त्म करे और कहाँ से जो है वो शुरू करे। अब इसको ही पकड़ के हम, अरे मैंने कंट्रोल डी किया, इसको ही पकड़ के ये मैंने एस प्रेस किया है ताकि वो जो उसकी 3D स्टिचेज आ रही हैं वो ख़त्म हो गई हैं। सॉफ्टवेयर काफ़ी हद तक जो है वो कोरलड्रॉ की तरह ही काम करता है। सियालकोट की मार्केट में जो है लोगो डिज़ाइन का जो है काम वो काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन जो दूसरी मार्केट है जैसे लाहौर, फैसलाबाद यहाँ कराची है, वहाँ पे कपड़े का भी काम जो है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। हर डिज़ाइनर जो है उसको उसका जो है डिज़ाइन करने का जो तरीका है वो थोड़ा बहुत जो है मुख्तलिफ हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि जैसे मैं इसको बना रहा हूँ या पंच कर रहा हूँ वो भी जो है इसी तरह ही करेगा। अब इसी को पकड़ के हम उठा के आगे ले आते हैं। बैक रोड में जो वाजे मेरे बच्चों की आ रही हैं तो उसको इग्नोर कर दीजिएगा, वो खेल रहे हैं और हो सकता है उनकी थोड़ी बहुत आवाज़ जो वो भी आ रही हो। मैं सारे जो प्रोसेस है उसको मैं इंजॉय करता हूँ, कह सकते हो कि ये मेरा एक पैशन है। अच्छा, यहाँ पर जो दूसरे जो डिपार्टमेंट के देखने वाले हैं, जैसे मरा मैंने एक प्लेलिस्ट जो है वो गेमिंग की भी बनाई हुई है, और जब कभी काम नहीं होता तो गेम खेल के जो है वो टाइम थोड़ा सा गुजार लेते हैं, क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से जो वो बाहर तो दम जा नहीं पा रहे, घरों में ही बैठ के काम करना है, सारा कुछ करना है। और काम के साथ साथ जो है वो थोड़ा बहुत आप लोगों को सीखने का भी जो है वो मौका मिल जाएगा, और अगर आप इस फील्ड में एक्सपर्ट हैं तो जो है अच्छी पे मिलने के जो है वो भी चांसेस जो है वो हो जाते हैं। अच्छा, पंच करने से पहले जो है चीज़ों को मेजरमेंट कर लेते हैं
कितना जो है वो मोटाई में जो है कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो कितना है। अब मैं कीबोर्ड से जो है वो मैंने प्रेस किया है एम, ये मेजरमेंट का टूल है, एम प्रेस करके साथ ही मैंने बी प्रेस किया था और इसको थोड़ा जूम कर लिया था, ठीक है, 0.45 मिलीमीटर है, तो ये 1 मिलीमीटर जो है उसकी भी बराबर नहीं है। अब मैं प्लान इसको इस तरह कर रहा हूँ कि मैं ब्लैक जो है उसको पहले पंच कर लूँगा, फिर उसके बाद जो है नीचे जो ग्राउंड है ज़मीन है उसको जो है मैं बनाऊँगा। ऑब्जेक्ट की जो वैल्यूज़ हैं वो फिर से मैंने एक दफ़ा जो है उनको देख लिया कि फिर मैंने कीबोर्ड से एम प्रेस किया है और इसके जो है मेजरमेंट मैंने कर ली कि इसकी हाइट जो है वो कितनी है। अच्छा, आने वाले दिनों में मैं इसके ट्यूटोरियल्स जो हैं वो भी अपलोड करूँगा ताकि आप जो है वो मज़ीद सीख सकें इस सॉफ्टवेयर को जो है यूज़ कैसे करना है। अभी इसकी फुल कंपोजिशन है, अब मैंने कीबोर्ड से वन प्रेस करके वो देखा है, वो जो स्क्रीन पे नज़र आ रहा है इससे मिलता जुलता ही जो है ना इसका रिज़ल्ट निकलेगा बाहर, इसलिए मैंने करना क्या है कि इसकी फुल कंपोजिशन जो है इसकी मैं ज़रा कम कर दूँगा क्योंकि 0.26 ही इसके 0.13 कर देते हैं। अब मैं कीबोर्ड से दोबारा जो है वन प्रेस करता हूँ और देखता हूँ कि ये नज़र कैसा आ रहा है। अच्छा, इन दोनों को भी पकड़ के जो है इसका मैंने स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट जो है इसके नीचे कर दिया, ये मैंने स्टार्ट पॉइंट लगाया था इसका और ये मैंने एंड पॉइंट इसका लगाया था, ठीक है। अब इसका भी स्टार्ट और एंड चेंज करने के लिए मैंने शेप टूल से पकड़ा इसको और इसका एंड पॉइंट मैंने ये रख दिया, ये प्लस का जो साइन है, प्लस का जो साइन है ये एंड पॉइंट है और ये जो है ये स्टार्ट पॉइंट है। शुरू शुरू में थोड़ी सी बोरियत होती है, थकावट होती है, लेकिन जैसे जैसे बंदा इस चीज़ का एक्सपर्ट होता जाता है चीज़ें बेहतर होना शुरू हो जाती हैं, काम करने का जो है वो मज़ा आना शुरू हो जाता है। मैंने जैसे पहले भी थोड़ा सा जिक्र किया था कि प्लान जो है वो मेरा ये है कि मैं ब्लैक जो है उसको पहले बनाऊंगा। अब जब मैं इसको जूम करता हूँ वो कीबोर्ड से बी प्रेस करके फिर जो है उसको जूम करता हूँ, और अगर आप ये देखना चाहते हैं कि इसका मेन जो है जूम वो कहाँ पे है तो ये ऑब्जेक्ट मुझे कम्प्लीट कर लेने दे तो फिर मैं आपको करता हूँ। अब मैंने शिफ्ट जेड के साथ जो है जूम आउट किया है और जूम करने के लिए बी प्रेस करता हूँ और बी प्रेस करके जो है इसको इस तरह ड्रा करके इसको मैं ऊपर कर लेता हूँ। और ये इस पर आप देख सकते हैं ये व्यू पे जाके, ठीक है, ये शॉर्टकट कमांड जो है लिखी हुई है, ठीक है, मेजर के लिए एम और जूम के लिए बी, ठीक है, जूम अगर 1.1 के ऊपर लेके आना तो ये है जूम फैक्टर एफ है, ठीक है, जूम इन जूम आउट, जो आप इससे भी जो है ना ऐसे प्रैक्टिस करते रहें और आपकी जो है ना वो प्रैक्टिस
ذہنی شین پر ہوتا جائے گا، آپ کو یاد ہوتا رہے گا. اچھا یہاں پہ میں نے نا اب ڈاٹ کرنا لگانا شروع کر دیا، اس کو کرو کرنے کے لیے جو رائٹ کلک پریس کرتے ہیں وہ نہیں میں کر رہا، کیونکہ آبجیکٹ ہے چھوٹا اور اس لیے یہ پراپر جو ہے کرو نہیں ہو رہا. اینڈ پوائنٹ جو ہے وہ اگلے آبجیکٹ کے قریب دیتے ہیں تاکہ مشین جو ہے وہ زیادہ لمبا جمپ لے کے جو ہے وہ نہ آئے، چھوٹا جمپ لے کے آئے اور وہ تسلی کے ساتھ آپ کو پوری ویڈیو جو ہے وہ دیکھنی پڑے گی، تو پھر ہی وہ ساری چیزیں جو ہے آپ کو سمجھ آئیں گی کہ چیزیں ہم کس طرح کرتے ہیں. اچھا میں ان پٹ سی کے ساتھ جو ہے اس کا جو ہے بارڈر لگانے لگا، یہ ٹول جو ہے وہ ان پٹ سی جو ہے ہم اس کو کہتے ہیں ان پٹ سی. یہ ماؤس سے میں نے رائٹ کلک کیا ہے، اچھا یہ جو دو آبجیکٹ ہے نا، یہ والا ایک یہ آبجیکٹ اور یہ ایک آبجیکٹ جو ہے وہ لیفٹ کلک سے، اور باقی یہ والا اور یہ والا جو آبجیکٹ ہے وہ میں نے رائٹ کلک سے جو ہے نا ماؤس کے رائٹ کلک سے کیا ہے. اب میں نے اسپیس بار جو ہے ایک دفعہ پریس کی ہے اور اس کو ایک کلک کدھر کر کے ایک کلک کر کے اتنا موٹا ہی اس کا بارڈر جو ہے وہ لگا لیا. اب میں اس کی پراپرٹی میں جا کے رائٹ کلک کر کے میں اس کی دیکھوں گا کہ ان پٹ سی کی جو وڈتھ ہے وہ کتنی ہے، یہ 0.79 ملی میٹر ہے، ٹھیک ہے، اس کو ہم 1 ملی میٹر جو ہے وہ کر دیں گے. یہ میں نے اوکے کر دیا، ٹھیک ہے. اب یہ اس کا جو موٹائی ہے وہ 1 ملی میٹر ہو گئی ہے، لیکن ہمارا جو اینڈ پوائنٹ تھا وہ یہاں پہ تھا، لیکن ابھی جو ہے اس کا سٹارٹ پوائنٹ یہاں پہ ہے، اینڈ پوائنٹ اس کا یہ ہے. یہ میں اس کو اٹھا کے یہاں پہ رکھ لوں گا اور یہ اس کا اینڈ پوائنٹ ہے، تاکہ جب یہ مشین یہاں سے اس کو کمپلیٹ کر لے تو یہاں پہ آئے تو اس طرح اس کو گھوم کے یہاں پہ آ جائے. اچھا جی اب سارا 1 ملی میٹر لگانا تھا، میں اس کو میں ایک پراپرٹی پرنٹ کر لیتا ہوں تاکہ جب یہ والا اندر والا جب بارڈر لگاؤں تو یہ بھی 1 ملی میٹر کا ہی لگے. اچھا میں یہاں پہ رننگ لگا کے ذرا مشین کو ایک ترتیب دے دوں گا کہ مشین جو ہے وہ اس طرح ہے، مطلب یہاں پہ اگر ختم کرے گی مشین ادھر ہو کے ادھر آئے گی، ایک دم سے مشین ادھر جمپ نہیں لگائے گی، اور جب یہ والا حصہ بنے گا تو یہاں سے دھاگا جو ہے وہ نظر نہیں آئے گا، ٹھیک ہے. اب یہ میں نے کمپلیکس پہ نہیں ان پٹ سی سے ہی پہلے یہ بارڈر جو ہے یہ بنا لیتے ہیں. ہم نے چیزوں کو اس طرح بھی ترتیب دینی ہے تاکہ جو ہے وہ کوالٹی جو ہے وہ بھی بنے. اب میں نے کی بورڈ سے دو دفعہ انٹر لگایا اور جو ہم نے پراپرٹی پہلے اس کی سیٹ کی ہوئی تھی وہ پراپرٹی ہی جو ہے دوبارہ جو ہے وہ لگ گئی ہے. اب پھر دوبارہ میں نے دو دفعہ انٹر کی ہے، اور اب پھر دوبارہ میں نے دو دفعہ انٹر ہی کیا ہے. اب پھر میں نے دو دفعہ انٹر ہی کیا ہے. اب کنٹرول شفٹ اور ٹیب کے بٹن سے، بیک ٹیب کے بٹن سے ان سارے آبجیکٹس جو ہے ان کو میں نے سلیکٹ کر لیا ہے. اب یہ میں نے برانچنگ کا جو ہے یہ کی ہے، اور کی بورڈ سے شارٹ کٹ جو ہے اس کی وہ آئی ہے، ٹھیک ہے. سٹارٹ بھی ادھر لگا دیا، اینڈ بھی میں نے ادھر ہی لگا دیا. اب یہ کمپلیکس فل ٹول ہے، کمپلیکس فل کو پکڑا، یہ ٹوٹل ہم جو ہے مینول ڈیجیٹائزنگ کر رہے ہیں، مینول پنچنگ کر رہے ہیں. اب کی بورڈ سے اسپیس کی میں نے دو دفعہ اسپیس بار پریس کی، یہ ایک کمپلیٹ آبجیکٹ جو ہے یہ بن گیا، اور یہ میں نے اس کا اینڈ دیا، اور یہ میں نے اس کا سوری وہ سٹارٹ دیا تھا، اور یہ میں نے اینڈ دیا اس کا، اور یہ میں نے اس کا اینگل دے دیا. اب یہ ہماری پراپرٹی جو ہے وہ تتامی ہے. پراپرٹی میں گئے، اس کو اس کی ذرا ویلیوز جو ہیں وہ سیٹ کی.
अच्छा, इसका एक काम ये करते हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट है इसके साथ ये बॉर्डर जो है ये भी लगा देते हैं, ताकि जो है एक्स्ट्रा धागे ना हो, धागे सारे नीचे नीचे जाके कंप्लीट हो जाए। इसको मैं दोबारा से अनग्रुप कर लिए। इसको 1.5 मिलीमीटर जो है वो कर लेते हैं। इसको दोबारा से मैंने मेक प्रॉपर्टी प्रिंट किया। अब डी प्रेस करके मैं पिक्चर जो है उसको विजिबल भी कर लेता हूँ और उसको हाइड भी कर लेता हूँ। जब डी प्रेस करेंगे पिक्चर जो है वो हाइड हो जाएगी, डी दोबारा प्रेस किया तो पिक्चर जो है वो दोबारा से विजिबल हो जाएगी। और यहाँ पे अगर आप सोचते थे थोड़ी सी ब्रेक लेकर अपने माइंड को ज़रा फ्रेश कर ले, और ब्रेक के बाद जो है वो दोबारा जो है आप इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा, ताकि जो कुछ भी आप देखें वो आपको हिफ्ज होता रहे। अच्छा, तो तामी जो है उसको अपने साथ सेलेक्ट नहीं करना, ठीक है। डी प्रेस करके मैंने उसको कर लिया था, हाइड कर दिया था। स्टार्ट एंड मैंने इसका यहीं पे दे दिया, ठीक है। अब सिंपल मैंने किया, यहाँ पे लेफ्ट क्लिक किया, यहाँ पर राइट क्लिक किया, यहाँ पर फिर राइट किया, यहाँ पर फिर राइट किया, और यहाँ पर आके फिर लेफ़्ट क्लिक कर दिया, ठीक है। और स्पेस बार से मैंने दो दफ़ा तीन दफ़ा स्पेस बार प्रेस करके इसको ऑब्जेक्ट जो कंप्लीट हो जाएगा। इसकी मैं प्रॉपर्टी में गया और देखा ये कितना है, 1.5 मिलीमीटर है। ये वायर का बॉर्डर है, इसको हम इसलिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा मोटा ही रखेंगे, इससे खूबसूरती जो है वो ज़्यादा बन जाएगी, ठीक है। अब ये हमारी ब्लैक जो है आउटलाइन ये सारा कंप्लीट हो गया, और अब सारा जो है हम अंदर वाला जो हिस्सा है वो बनाएंगे। अब इसको मेजरमेंट करके एम से प्रेस करके मैंने प्रेस देख लिया, और 7 मिलीमीटर से अगर ज़्यादा हो तो फिर हम कम्प्लेक्स फिल यूज़ करते हैं, ततामी जिसको हम कहते हैं, ठीक है। और अगर ये 7 मिलीमीटर से नीचे नीचे हो तो फिर हम इनपुट ए के साथ जो है इसको बना सकते हैं, या फ्यूजन फिल जो है उसके साथ बना सकते हैं इसको। फ्यूजन फिल जो है उसकी वैल्यूज़ और प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो डिफरेंट होती हैं, और ततामी जो है उसकी वैल्यूज़ और प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो डिफरेंट होती हैं। अब मैंने ये एंगल दिए, और ये टूल जो है वो इस्तेमाल कैसे करने हैं ये मैं दूसरी वीडियो जो है नेक्स्ट जो है वो अपलोड कर दूंगा, और उससे ये है कि आपको पता चल जाएगा कि हर टूल जो है वो किस तरह इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है जी। इसको मैं प्रॉपर्टी में गया और इसको मैंने नीचे ज़िगज़ैग कर दिया, क्योंकि ऑब्जेक्ट ज़रा मोटा है। और इसकी मैं फुल कंपोजिशन में राइट क्लिक किया तो इसको जूम 0.26 जो है वो कर दिया। अब एक प्रॉपर्टी मैंने करंट इसलिए की है कि जो प्रॉपर्टी ये लगाई है वही इसी पे भी अप्लाई हो। ये कंट्रोल डी करके और ए प्रेस करके मैं इसकी प्रॉपर्टी में आया, जनरल में आया, और एक्स वाई इसे करके मिरर कर लिया। देखें कि ये एग्जैक्ट इसके ऊपर जो है वो आ गया, पहले मैंने डुप्लीकेट करके इसको कॉपी कर लिया था। अब मैंने इसका स्टार्ट पॉइंट पकड़ के इधर लिया, ताकि मशीन यहाँ पर आसानी से जंप करे और मशीन को ज़्यादा लंबा जंप ना लगाना पड़े। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, अब जो हम कम्प्लेक्स फिल के साथ जो है इनकी फिलिंग जो है वो नीचे वो करना शुरू करेंगे। अब वाइट जो है वो हमने कपड़ा ही लगाना है, तो इसलिए हम वाइट जो है उसके ऊपर जो है ना इस तरह की जो ततामी स्टिच है वो नहीं डालेंगे। हम सिर्फ करेंगे क्या कि सिर्फ ये ऑरेंज और ग्रीन जो है ये हम जो है ना इसकी सिर्फ फिलिंग करेंगे। अच्छा, ये वाला हिस्सा ग्रीन है, ये वाला हिस्सा ऑरेंज है। तो मैंने डी प्रेस करके जो है वो ख़त्म कर दिया है इसकी नीचे से पिक्चर, और ताकि इसके ये हमारी ड्राइंग की जो लाइन है, ये ड्राइंग की लाइन जो है इसके एग्जैक्ट ऊपर जो है हमने इसकी फिलिंग कर दी है। और जो मैंने ततामी लगाई हुई थी तब मैंने दो दफ़ा स्पेस बार प्रेस की है, ये मैंने स्टार्ट दिया, ये मैंने एंड दिया, और ये मैंने एंगल दे दिया, ठीक है।
अब ये देख रहे हैं ये स्टिच जो है इस साइड पे लग रही है, अब ये एंगल मैंने इसका ऐसा दिया था इसलिए इसकी स्टिच जो है ना ऐसे लग रही है। इसका कलर मैं चेंज कर देता हूँ, ठीक है जी, 1/40 करंट। और हम ये स्पीड से जो है इसकी भी जो है फिलिंग कर देंगे। एग्जैक्ट इसके सेंटर में करना है और फुल कंपोजिशन है वो हम थोड़ी सी बढ़ा देते हैं और एक कुछ टेक्निकल जो चीज़ें हैं वो साथ साथ आप लोगों को जो है वो बताता जाऊंगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर लें और एम्ब्रॉयडरी के रिलेटेड जो वीडियोज़ आएंगी उनको पूरी वीडियो जो है उनको देखें और जब कोई ऐड चलती है तो ऐड जो है उसको भी पूरा चलने दें क्योंकि भाई को आपकी सपोर्ट जो है उसकी भी ज़रूरत है। कुछ और इसका एग्जैक्ट सेंटर में जो है वो क्यों लगाना है जब आपको मैं टूल समझा रहा हूँगा दूसरी वीडियो में तो उसमें हम जो है इसका भी जिक्र करेंगे। डे जी ऑरेंज जो है हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसकी जो ऑब्जेक्ट लिस्ट है हाँ जी ये हमारी ऑब्जेक्ट लिस्ट है, ठीक है। अब मैं ये एरो जो है एरो इसको क्लिक करूँगा तो ये सारे ऑब्जेक्ट ऊपर आ जाएंगे, ठीक है। अब ये यहाँ से मैं पकड़ के माउस से मैंने क्लिक किया और माउस का क्लिक छोड़ना नहीं है, इसको उठा के ऊपर ले आए और जहाँ पर ये छोटा सा डिब्बा जो आपको नज़र आ रहा है डिब्बा ग्रे सा जब ये बन जाए तो इसको छोड़ देना है, ठीक है। अब ये पहले ऑब्जेक्ट जो थे ये ऊपर थे इसके ग्रीन के, अब ये ग्रीन लाइन के नीचे चले गए हैं, ये बेसिकली हमारा ब्लैक है, ठीक है। वाइट जो है वो हमने डालना ही नहीं है। क्योंकि वो हमने जो है वो कपड़ा यूज़ जो है वो करना है। जब स्टिच के ऊपर जो स्टिच है वो भी नहीं लगानी, उससे होगा क्या कि मशीन जो है वो प्रॉपर काम नहीं करेगी और टाइम जो है वो ज़ाया होगा। इस स्पेस बार से जो मैंने एक दफ़ा क्लिक किया अब ये मैंने दूसरी दफ़ा क्लिक किया, ये मैंने स्टार्ट दिया और यही पेंट दे दिया, ठीक है। और ये मैंने एंगल दे दिया, ये हमारा ग्रीन लग गया। ग्रीन जो है हम पहले दे देंगे उसके बाद आपका ऑरेंज लगेगा और ये बैच जो है आपका कंप्लीट हो गया। अब एंड पे जो हमने सबसे जो काम जो वो करना होता है कंट्रोल ए से मैंने इसको सेलेक्ट किया, प्रॉपर्टी में गया, जनरल में आया और इसकी पोजीशन जो है ज़ीरो कर देनी है क्योंकि डी मॉडल जो एम्ब्रॉयडरी मशीन है वो इसको जो है रीड करती है और अगर यहाँ पे 0-0 नहीं होगा तो आपका रिज़ल्ट जो है वो बेहतर जो है वो नहीं आ सकता, ठीक है जी। इसकी पोजीशन डी की और उसके बाद जो है मशीन से भेजने से पहले स्टिच पे जाएं, ऑटो स्टार्ट और एंड, यूज़ ऑटो स्टार्ट और एंड, ये सेंटर वाला जो है इसको क्लिक कर दे, ओके कर दे। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो को देखते हुए आपको लुत्फ आया होगा, कुछ ना कुछ जो है वो सीखने का मौका मिला होगा। तो हमारे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें और वीडियो जो है अपने फेसबुक पेज पर जो है वो शेयर करना मत भूलिएगा क्योंकि भाई को आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। वो जो ऐड चलती है हम ऐड को जो है वो पूरा देखें, इससे मेरा भी हौसला बढ़ता रहेगा और मैं आपके लिए जो है मुख्तलिफ वीडियोस जो है वो लेकर आता रहूँगा। बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।